सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में सहु एडिटिंग। तो मेरे भाई आज की कमाल की वीडियो में आपका स्वागत है। ओके, तो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस तरीके से मैं आप आज वीडियो बताऊंगा 3D लूट ऐप की मदद से आप सीवी एडिटिंग कैसे कर सकते हो। जैसे कि आप सीवी एडिटिंग में आप देखा होगा ब्लर का एकदम काफी अच्छा होता है और उसके पीछे बबल्स होते हो, आप कैसे क्रिएट कर सकते हो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कुल समझ रहे हो ना बताऊंगा कुल मिला के सीवी एडिटिंग करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपको जस्ट लास्ट तक वॉच करना है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। और वीडियो को फटाफट से कर देना है लाइक, और चैनल पर कोई नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना, ताकि आपका भाई जब भी कोई वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और भाई मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जाओ फॉलो करो। आपको कुछ पूछना तो वहाँ पर मुझे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा मेरा लिंक, तो जाओ और फॉलो कर लो अगर आपको कुछ पूछना हो तो। तो चलिए आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, आपको बताऊंगा एक परफेक्टली सीवी एडिटिंग करना सिखाऊंगा। ओके, तो आपको क्या कर लेना है, इसे शेयर कर लेना है। ओके, आपको शेयर कर लेना है इसे 3D लूट ऐप पर। ओके, तो मैं इसे फटाफट से शेयर कर लेता हूँ 3D लूट ऐप की मदद से। ओके, तो इस ऐप के बारे में आप पहली बार सुन रहे हो तो आप मेरे प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो, काफी वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो इसे आप यूज कर सकते हो। तो आपको क्या कर लेना है, आपको जाना है ब्राइटनेस पर। ओके, ब्राइटनेस को आपको क्या कर लेना है, आपको ब्राइटनेस को इसे बढ़ा लेना है। ओके, बढ़ाने के बाद आपको क्या कर लेना है, कॉन्ट्रास्ट पर जाना है। वो कॉन्ट्रास्ट को आपको कर लेना है, इसे बढ़ा लेना है +6। और वाइट बैलेंस को आपको क्या कर लेना है, वाइट बैलेंस को आपको -3 रहने देना है। और टिंट को आपको क्या कर लेना है, टिंट को आपको कर लेना है -2। ओके, इतना हो जाने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपको लूट पर क्लिक कर लेना है। ओके, लूट पर क्लिक करने के बाद आपको नियर वन रखना है, तभी ये आपके फिल्टर्स यूज करेंगे। ओके, तो आपको टॉप 25 दिख रहा है ना, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोड होगा और आपको स्वाइप करते जाना है। ओके, स्वाइप करते जाना है। ओके, तो स्वाइप आपको कर लेना है। ओके, ओके, स्वाइप करने के बाद आपको टेल दिख रहा है ना, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, तो आप देख सकते हो जस्ट वन क्लिक में ओके अपना फोटो एडिट हो चुका है। ओके, तो आप सीबी ब्लर बैकग्राउंड कैसे करें और वैसे ब्लर लेंस कैसे देगा अपने फोटो के बैकग्राउंड में। ओके, तो आपको क्या कर लेना है, इसे कर लेना है सेव। ओके, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, सेव हो जाने के बाद ओके, तो इसे क्या कर लेना है, आपको शेयर कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप पर। ओके, तो मैं फटाफट से पिक्सआर्ट ऐप पर इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, ओके, तो गाइस आपको क्या कर लेना है, आपको पिक्सआर्ट में इस फोटो को ओपन कर लेना है अपने। ओके, तो आपको स्वाइप करते जाना है। ओके, स्वाइप करने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपको जो ब्रश वाला दिख रहा है ना, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, क्लिक करने के बाद ये आपके इस तरीके से इफेक्ट्स खुलेंगे। ओके, तो आपको स्वाइप करते जाना है। ओके, तो स्वाइप करने के बाद आपको जो ये स्टार वाला ये दिख रहा है ना, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, क्लिक करने के बाद डबल टैप करना है। ओके, तो इस तरीके से साइज और ओपेसिटी आपके ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको क्या कर लेना है, साइज को इस तरीके से बढ़ा लेना है। ओके, फिर क्या कर लेना है, आपको इस तरीके से स्टार यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको लगाना है वहाँ आप लगा सकते हो। तो मैं इस तरीके से लगा लेता हूँ। इस तरीके से आप स्टार लगा के अपने बबल्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो आगे का मैं प्रोसेस बता दूंगा। हाँ, तो वही जैसे कि मैंने स्टार लगा लिया। ओके, तो इसे क्या कर लेना, आपको इसे ओके कर लेना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपको क्या कर लेना है, सेव टू गैलरी। ओके, सेव टू गैलरी करने के बाद आपको फिर से वो फोटो आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि गाइस यार मैंने इसे सेव कर लिया है। ओके, तो फिर से आपको क्या कर लेना है, इसे शेयर कर लेना है एयर ब्रश ऐप पर। ओके, तो ये मैंने इस पर ट्यूटोरियल बना रखा है, तो आई बटन में जाकर आप इसे देख सकते हो। ये काफ़ी अमेजिंग ऐप है। ओके, तो इसमें काफ़ी अच्छी एडिटिंग होती है। तो आपको क्या कर लेना है, इसे ओपन कर लेना है। ओके, इसमें ओपन हो जाने के बाद ओपन हो आपको क्या कर लेना है, टूल्स पर जाना है। ओके, टूल्स वाला आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और बुके दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, तो ऑटोमेटिक बुके हो जाएगा। तो देख लीजिए सीबी ब्लर बैकग्राउंड हो चुका है। ओके, बबल्स भी क्रिएट हो गए। फिर क्या कर लेना, आपको नीचे नीचे की साइड से आपको इरेज करना है, तो आपको इरेज पर क्लिक कर लेना है। ओके, इरेज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पे इरेज कर सकते हो। ओके, आपको जितना इरेज करना है आप यहाँ से इरेज कर सकते हो। ओके, तो मैं फटाफट से इरेज कर लेता हूँ। आप देख सकते हो एकदम सीवी फोटो एडिटिंग हो चुकी है। ओके, तो मैंने आपको कहा था जैसे कि सीवी एडिटिंग कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको बता दिया है। तो आप लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, और आपको इसे सेव करना है तो आपको डाले वाले आइकन पर जाना है और ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। ओके, तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।